नमस्कार, स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र को एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्लैंड से रिलेटेड और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस SSC, IAS और स्टेट लेवल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से करने के बाद इसका एक सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप वो क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने डाउट्स और अपने कमेंट्स हमें लिखकर भेजें। अगर आपने अभी तक हमारे स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी और भी वीडियोस आने वाली हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल का भी बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आपका टॉपिक है ग्लैंड्स, ग्रंथियां। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथि हमारे शरीर में कुछ विशेष ऊतक होते हैं जो रासायनिक पदार्थ को रिलीज करते हैं, रासायनिक पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। उत्तक क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बॉडी के वो पार्ट्स जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं उनको बोलते हैं ग्रंथियां। अब ये रासायनिक पदार्थ क्या हैं? रासायनिक पदार्थ हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और इसी के बिहाफ पर इनको दो भागों में बांटा जाता है कि कौन सी ग्रंथि एंजाइम्स को सीक्रेट करती है और कौन सी ग्रंथि हार्मोन को सीक्रेट कर रही है। इसके अकॉर्डिंगली उनको टू टाइप्स में बांटा जाता है। जो एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट आपका वही है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका आंसर होगा ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली बहिश्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट आपका आता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिश्रावी ग्रंथियां होती क्या हैं? बहिश्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो मोस्टली एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम्स का उत्सर्जन करती हैं, लेकिन ये कुछ नॉन एंजाइम्स का उत्सर्जन भी करती हैं। सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि इस ग्रंथि को हमेशा एक वाहिनी की जरूरत होती है अपने एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए। जैसा कि आप फिगर से इजीली समझ सकते हो, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये अपने एंजाइम्स को जब रिलीज कर रही है तो एक डक्ट के थ्रू कर रही है। जैसे कि एग्जाम्पल, जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी अपने लार को एक डक्ट के थ्रू, एक वाहिनी के थ्रू उसको रिलीज करती हैं, उसको उत्सर्जित करती हैं एंजाइम्स को। नेक्स्ट हैं टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सीक्रेशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स और उनके सीक्रेशन यानी कि जिस चीज को, जिस एंजाइम्स को वो रिलीज करती हैं। इसमें फर्स्ट है सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां, ये हमारी बक्कल कैविटी में हमारे मुंह में होती हैं, जो क्या सीक्रेट करती हैं? सलाइवा। सलाइवा यानी कि लार, और इस लार के बहुत सारे कार्य होते हैं। पहला काम क्या होता है कि ये भोजन को अपने अंदर बहुत अच्छे से मिला लेती है और उसका पाचन वहीं पे शुरू कर देती है, सुपाच्य हो जाता है भोजन लार मिलने के बाद। सेकेंड थिंग क्या है कि जो भी कीटाणु हमारे मुंह के अंदर एंटर कर जाते हैं खाना खाते टाइम या खाने के साथ, उसको ये वहीं पे मार देती है। नेक्स्ट आपका आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज 3 एंजाइम सीक्रेट करता है, अमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। ट्राइप्सिन प्रोटीन को, और लाइपेज फैट को पचाता है। नेक्स्ट आपका आता है स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि जो पसीने छोड़ती हैं, जो ग्रंथियां हमारी, वो क्यों छोड़ती हैं? पसीने का क्या रीज़न होता है कि उसका एक कार्य होता है कि वो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बना रहे, वो ज़्यादा हाई ना हो जाए। और सेकंड थिंग क्या होती है कि स्वेट के जरिए हमारे शरीर से जो भी
वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड नहीं है, जिनको हम वेस्टेज बोलते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है लक्राइमल ग्लैंड्स, जो कि हमारी आंखों में होती हैं और ये वाटर का सेक्रेशन करती हैं ताकि हमारी आंखों को मॉइस्चर मिलता रहे। नेक्स्ट अब आपका आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं। और सेकंड थिंग इसमें क्या है कि ये डक्टलेस होती हैं, यानी कि इनको हार्मोन्स को उत्सर्जित करने के लिए किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपनी हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ देती है, सीधे ब्लड में छोड़ देती है, और ब्लड के थ्रू वो पूरे शरीर में फैल जाता है, और जिस भी अंग पर उसको काम करना होता है, जिस भी अंग का डेवलपमेंट करना होता है, जिस भी चीज़ को कंट्रोल करना होता है, उस पर वो अपना काम करता है। तो मेन डिफरेंस इन दोनों ग्लैंड्स में यही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, प्लस वो एक डक्ट के साथ काम करती है, एक डक्ट के थ्रू अपने पदार्थ को छोड़ती है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, और ये डक्टलेस होती है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है कि ऐसी कई ग्रंथियां हैं जो बहिर्श्रावी यानी कि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन दोनों प्रकार से कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि वो एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स दोनों का उत्सर्जन करती हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, ऐसी ग्लैंड्स को बोलते हैं मिश्रित ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड्स, जो एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स दोनों का उत्सर्जन करती हो। इसके एग्जाम्पल हैं कि कौन सी होती है मिश्रित ग्लैंड्स, वो है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, वृषण, टेस्टिस, और अंडाशय यानी कि ओवरीज। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है 2011 में एसएससी में कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है निम्न में से जो अंतःस्रावी और बहिर्श्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। तो उसमें आपका आंसर था पैनक्रियाज। तो इन तीनों में से ऑप्शन में जो भी हो वो आप टिक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, वो एक इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, इंसुलिन हार्मोन को उत्सर्जित करता है। तो वहां पे वो अंतःस्रावी ग्रंथि का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो एक डक्ट में पैनक्रियाज एक्सट्रैक्ट को उत्सर्जित करता है, वहां पे वो बहिर्श्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्रंथि की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स में आपका पहला है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में होती है, और बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, जिनमें से कुछ हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स, एटसेट्रा। इसका एक और मेन काम होता है कि ये जो दूसरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, उससे निकलने वाले हार्मोन के स्राव को भी नियंत्रित करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो नेक्स्ट टाइप आपका आता है वो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, जैसा कि आप फिगर में आसानी से देख सकते हैं, और यह हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसके ठीक नीचे पाई जाती है। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। यह कई प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स को उत्सर्जित करती हैं, जिनमें मेन है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको थायरोट्रोफिन भी बोला जाता है। टीएसएच का क्या काम होता है कि जो थायराइड ग्रंथि है उसको ये हार्मोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसटीएच, ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से ये बताइए कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा है। तो उसमें एसटीएच भी दिया होता है, टीएसएच भी दिया होता है ऑप्शंस में, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि एसटीएच था या टीएसएच था। तो एसटीएच आपका है ग्रोथ हार्मोन। इसको याद रखने के लिए आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर देख सकते हैं, एस पहले आता है, उसके बाद टी आता है अल्फाबेटिकली। तो एसटीएच हार्मोन जिसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर है वो आपका ग्रोथ हार्मोन है। दूसरा मेथड याद करने के लिए टीएसएच,
यानी कि थायराइड, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, TSH, तो टी से थायराइड बनता है, तो वो थायराइड से रिलेटेड हो गया, जबकि STH आपका हो गया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी कि विकास हार्मोन का क्या काम होता है कि यह हड्डी और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। जिन व्यक्तियों में इस हार्मोन की कमी हो जाती है वो नाटे रह जाते हैं, छोटे कद के रह जाते हैं, और जिनमें इनकी बहुत अधिक यानी कि बैलेंस स्रावित होता है, बैलेंसली उत्सर्जित होता है, वहां पे वो लंबे चले जाते हैं, नॉर्मल हाइट के होते हैं। हमारा जन्म होने के बाद जो सबसे पहले जो ग्रंथि काम करना शुरू करती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक और क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एक तो ग्रोथ हार्मोन का, दूसरा आपका बनता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, एक डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का नेक्स्ट टाइप है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, जिसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, मस्तिष्क के बीचों बीच पाई जाती है, यानी कि हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीच में मिलती है। यह मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो कि सोने जागने और मौसम गतिविधियों का विनियमन करता है, यानी कि उनको कंट्रोल करता है। यह बहुत ही छोटी ग्लैंड है जो लाल और भूरे रंग की होती है और चावल के दाने के बराबर आकार वाली होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि सांस की नली से जुड़ी हुई होती है, हमारी सांस की नली के नीचे पाई जाती है, जैसा कि आप फिगर में देख के इजीली समझ सकते हैं। थायराइड ग्रंथि को एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है कि एडम्स एप्पल के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो उसमें आपका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आपका आता है कि ये कौन से हार्मोन को उत्सर्जित करती है? थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है जिसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, किस हार्मोन में पाया जा सकता है, तो वो है थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका आता है कि थायरोक्सिन हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पेसमेकर भी बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि थायराइड ग्रंथि को एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है और इसमें आयोडीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, थायरोक्सिन को एंडोक्राइन ग्लैंड का पेसमेकर भी बोलते हैं। अब आता है कि थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है? थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का जो पाचन है उसकी दर को ये कंट्रोल करता है। भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे थायरोक्सिन हार्मोन बनना कम हो जाता है हमारे शरीर में, और उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है, बहुत भयंकर बीमारी है, गोइटर जिसको बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं। फिगर टू में आप देख सकते हो कि किस तरह से वो ग्लैंड्स इतना फूल गया है और भयंकर रूप ले लिया है उसने। तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है जो इजीली जाती नहीं है, और अगर किसी गर्भवती को है तो उसके बच्चे में होने के चांसेस भी पूरे पूरे होते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए हमें क्या सलाह दी जाती है कि हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी थायराइड ग्रंथि ही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नेक्स्ट टाइप आपका आता है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये आप फिगर से इजीली समझ सकते हो। फिगर में थायराइड ग्रंथि का बैक व्यू दिखाया गया है, बैक साइड दिखाया गया है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि ये जो चार हैं ये क्या हैं? पैराथायराइड ग्रंथियां हैं। तो थायराइड ग्रंथि के बैक से जुड़ी हुई होती हैं और ये चार होती हैं। अब आता है कि पैराथायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है? ये दो हार्मोन्स को उत्सर्जित करती हैं, पहला है पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। लेकिन ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि पैराथायराइड कब रिलीज होगा, कब उत्सर्जित हो रहा है, और कैल्सिटोनिन को कब उत्सर्जित कर रही है। पैराथायराइड तब उत्सर्जित होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, और कैल्सिटोनिन जब उत्सर्जित होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है।
इस हार्मोन का काम है कि ये रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के जो स्तर को कंट्रोल करता है, कैल्शियम को कंट्रोल करता है ये। एक और है कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की कमी से, पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पथरी, जिसको स्टोन बोलते हैं, हमारे पेट में, किडनी में, कहीं भी पाई जाती हैं, तो जो पथरी का जो रोग है वो इसी के कारण होता है। और पथरी में कौन सा कंपोनेंट होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, पथरी क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट होती है। ये आपको याद रखना है कि पैराथायरॉयड कब रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन कब उत्सर्जित होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। और ये गिनती में कितनी होती हैं, चार होती हैं, जो कि बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्रंथि से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, यह हमारे गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में होती है। थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन स्रावित करती है, जो शरीर में रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है, यानी कि ये WBC जिनको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को जनरेट करती है थाइमस ग्लैंड, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। और ये ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विदाउट थाइमस ग्लैंड के जन्म ले लेते हैं, लेकिन उनका बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें फिर WBC का निर्माण नहीं हो पाता, तो रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें नहीं बनती, इसलिए मुश्किल से ही वो 2 साल तक जी पाते हैं। और बुढ़ापे में तो ये धीरे धीरे ये ग्लैंड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड वो होती है जिसमें से एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का उत्सर्जन होता है। पेनक्रियाज कहाँ स्थित होती है, यह ग्रंथि पेट के ठीक नीचे मौजूद होती है, और इस ग्रंथि में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। तो इस कोशिका से जो हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, वो बीटा कोशिका से निकलता है। ये आपको याद रखना है कि इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि इंसुलिन क्या है, वाटर है, विटामिन है, हार्मोन है या एंजाइम है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अब आता है कि इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या काम होता है। इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम बनाए रखना। इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, और डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड में शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है जो आपको याद रखना है कि इंसुलिन डे यानी कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का नेक्स्ट आपका टाइप है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, जैसा कि आप फिगर में देख के इजीली समझ सकते हो कि हमारी दोनों किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड स्थित होती हैं, दोनों गुर्दों के ऊपर पाई जाती हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन उत्सर्जित करती हैं, उनको जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये हृदय गति को, सांस लेने की दर को, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन के पाचन को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हृदय की गति को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए इनको जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है। अब कौन कौन से हार्मोन यह स्रावित करती है, सबसे पहले तो एड्रेनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, पहला होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन उत्सर्जित होता है उसका नाम है ग्लूकोकार्टिकॉइडस हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम है, यह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के पाचन को कंट्रोल में रखता है। दूसरा जो मेडुला से उत्सर्जित होता है वो है एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या काम है, अगर हमारे दिल की धड़कन एकदम से रुक जाए तो ये उसको फिर से चालू करता है, हमारे दिल की धड़कन पर ये अपना कंट्रोल बनाए रखता है। इसकी कमी से एडिसन रोग हो जाता है, और अगर एड्रेनल ग्लैंड में खराबी आ जाए, खराब हो जाए ये ग्लैंड्स, तो व्यक्ति 2 सप्ताह के अंदर मर जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश या डरा हुआ होता है तो यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है।
इसलिए इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि या ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी कौन सी है, तो उसमें आपका आंसर होगा एड्रेनल ग्लैंड, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, उडो लड़ो या उडो हार्मोन भी इसको बोलते हैं। इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है वृषण यानी कि टेस्टीज, जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है कि ये पुरुष में जो भी चेंजेस आते हैं, एक बच्चे से जब एक वयस्क का निर्माण होता है तो उसकी आवाज गंभीर हो जाती है, दाढ़ी मूछ आ जाती है, तो ये जो भी चेंजेस आते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है अंडाशय यानी कि ओवरीज, ये सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है और यह दो मादा हार्मोन्स को रिलीज करती है, पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, और एक स्त्री में एक महिला में जो भी चेंजेस आते हैं उनको ये कंट्रोल करती है और उनके लिए जिम्मेदार होती है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।